बहुत सी चीजें इधर भी होंगी दुनिया के अंदर जो तुझे ठीक नहीं लग रही होंगी, इसको अपने कलेजे में उतारना सीख बच्चे। तेरा एक वक्त आएगा जब तू चेंजेस लाएगी, जब तू तब्दीली की बात करी, लेकिन ये वक्त मुंह से बातें हांकने का नहीं है, ये वक्त अपनी बातें बढ़ाइयां झाड़ने का नहीं है, ये वक्त जब्त करने का है, सख्त करने का उसको अपने अंदर, और इसको अंदर पाल के बैलेंस करके एक वक्त आएगा जब तू बात करेगा इस स्टेज पे, इन मेंबरों पे खड़े होके लोग तेरी बात सुनेंगे उस टाइम पर। लेकिन ये और आखिरी मेरी नसीहत इमाम शाफी का एक कौल पेश करता हूँ आपके आगे। इल्म बितूली ज़माने, बेटा इल्म बहुत लंबे जमाने के बाद आता है, कामयाबियां बहुत जमाने लेती हैं आने के बाद, सदियों कटना पड़ता है, सदियों जलना पड़ता है, तब जाके कहीं चमन में फूल उगता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बेटा ये जल्दी क्विक ट्रिप्स, जल्दी कामयाबी, शॉर्टकट्स, चीटिंग, प्लेजरिज्म, छपाई, कॉपी पेस्ट, ये शायद बचा लेगी तुम्हें आज, लेकिन जिंदगी की जंग में वो पट्टा जो अपना पूरा होमवर्क करके आया होगा, जो अपना वक्त लगा के आया होगा, जो किताबें चाट के आया होगा, और जो कॉन्टेम्पलेशन करके आया होगा, और जो तफक्कुर करके आया होगा, और जो तदब्बुर करके आया होगा, और जो तज़क्कुर करके आया होगा, और जो तफक्कुर फिल कौन करके आया होगा, और जो तफक्कुर फिल शरा करके आया होगा, जो तफसीरें पढ़ के आया होगा, जो कायनात पे, जो अफला यंजुरूना इलल इब्ली कैफा खुलिकत, ऊंटों पे गौर व फिक्र करके आएगा, और मेहनत करके आया होगा, और सीधे रास्ते से काट काट के आया होगा, और कलेजा और दिल बड़ा करके लाया होगा, लहुम कुलूब ला यफकहुना बिहा करके नहीं आया होगा, वलहुम आयुन ला युबसिरुना बिहा करके नहीं आया होगा, वलहुम आज़ान ला यस्मऊना बिहा, कान आंख दिल जो है उसने इधर उधर नहीं दिए होंगे। आप उस पट्टे को नहीं हरा सकते फ्यूचर के अंदर। चीटर, प्लेजरिस्ट, शॉर्टकटर, डिमेंटर्स, ये कभी भी एक ओरिजिनल मसल पट्टे को कभी नहीं गिरा सकते। जीत उसी की होगी जिसने सारे मामले ठीक रखे होंगे, जिसने रब को भी राजी रखा होगा, जिसने अपने स्कूलों को भी राजी रखा होगा, जिसने माँ बाप की भी काट काटी होगी, और जिसने अपने नफ्स को भी सबर किया होगा। जीत उसी की होगी जो बर्दाश्त करके आया होता है। जिन्होंने इधर उधर अपने मामले खराब किए हुए होते हैं तो वहां जाके वो मैच हार जाते हैं और फिर हम चाह रहे होते हैं कि पाकिस्तान जो है ना तुक्के में जीत जाए। तुक्के और फ्लूक में दुनिया नहीं बनती। महज इत्तफाक नहीं है बेटा, ना ये कायनात महज इत्तफाक है, ना ये वजूद महज इत्तफाक है, ना ये दस्तखत महज इत्तफाक है। लोगों का लोहा गल गया इसको बनाने के अंदर। ये एक पिलर नहीं भी खड़ा कर सकता जिंदगी में बेटा। इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें खड़ी करने के लिए तुझे बहुत सब्र चाहिए, बहुत यकीन चाहिए, बहुत तहम्मुल चाहिए, सर्टेनिटी, कन्विक्शन, परसिवियरेंस, कंसिस्टेंसी, परसेप्शन, परफॉर्मेंस, रीजनिंग, रैशनैलिटी, प्रोडक्टिविटी, इन अल्फाजों को अपनी जिंदगी का शियार बना। कुछ अरसे के बाद देखी कैसे तेरी आवाज में वो तासीर होगी कि लोग आके बस तेरे साथ बैठ जाएंगे, बोलेंगे भी कुछ नहीं। कही सुनी बात में जो गलतियां मैंने की होंगी, मैं सबसे माफी मांगता हूँ और अल्लाह से भी माफी मांगता हूँ जो मैंने अपनी तरफ से चार बातें लगा दी। जो हक मैंने सुनाया, अगर मैं मुखलिस था उसको सुनाने में, तो वो कल भी अल्लाह और उसके लोगों का था, आज भी है। मैं रहूं ना रहूं, ये बातें हमेशा बड़े लोगों की रहेंगी। अकूल कौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह ली वलिसाइरिल मुस्लिमीन, वा आख़िरु दावाना अन्निल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।